महाराष्ट्र में फिलहाल मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर तनाव का माहौल है। एक तरफ जहां राज ठाकरे ने आगामी 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाने का अल्टीमेटम दिया है, वहीं दूसरी तरफ अमरावती से निर्दलीय विधायक रवि राणा और उनकी पत्नी सांसद नवनीत राणा ने मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास स्थान मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया है। वो शनिवार को मुंबई आकर मातोश्री पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। रवि राणा के ऐलान के बाद मातोश्री पर शिव सैनिकों की भारी भीड़ जुटने के आसार हैं। वहीं उनके आने से बांद्रा इलाके में तनाव का माहौल भी बन सकता है। रवि राणा की इस घोषणा से महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी 23 तारीख को वह मातोश्री पर जाकर शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राणा के साथ उनके समर्थक भी मातोश्री जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीते 2 से 3 साल महाराष्ट्र के ऊपर 7.5 शुरू है, जिसके निवारण के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत जरूरी है। राणा ने आशंका जताई है कि उन्हें रोकने का भी प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास पुलिस महकमा है। जब वह किसानों की समस्या के संदर्भ में मुंबई जा रहे थे तब भी उन्हें रोका गया था। उन्होंने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सांसद नवनीत राणा ने कहा कि हमने तो मातोश्री पर शांतिपूर्वक तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन शिवसेना की तरफ से हमें धमकियां दी जाने लगी। अगर मुंबई आएंगे तो वापस अपने पैरों पर नहीं जा सकेंगे, इसलिए मुझे यह देखना है कि आखिर भगवान में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। हमने तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सिर्फ एक छोटी सी मांग की थी, वह भी हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब हमने यह तय किया है कि 23 तारीख को हम जरूर मातोश्री जाएंगे और वहां हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। CEN News, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।